So just like in the previous video, we have understood to measure the distance from Earth to some planet or star or moon. We have understood कि distance कैसे measure करते हैं through parallax method. Parallax method एक और चीज के लिए useful है, that is Earth से बैठे बैठे हम कोई दूर, इधर example में moon लिया है, कोई और planet या कोई और बड़ा सा स्टार हो, वो बहुत दूर है, बहुत बड़े डिस्टेंस पे, उसका साइज हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उसका डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं, राइट. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट दिस डी, स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ दिस गिवन प्लैनेट, मून, व्हाटएवर इट इज, क्लियर. तो इसके पहले हमने देखा था पैरेलेक्स मेथड का यूज, कि अर्थ से कोई भी एक अलग प्लैनेट का डिस्टेंस कितना हो सकता है, और अब अर्थ से बैठ के वो जो भी दूर कहीं पे कोई भी प्लैनेट, स्टार या मून है, उसका डायमीटर कितना हो सकता है, क्लियर. तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज डायमीटर ऑफ द मून. चलो क्या किया, सबसे पहले यहाँ अर्थ पे, ओ पॉइंट पे एक लैबोरेटरी है, लैबोरेटरी के टेरेस पे जाके टेलीस्कोप के पास हम खड़े हैं, क्लियर. सबसे पहले टेलीस्कोप हमने लगाया वो एंगल पे या वो डिरेक्शन में जहां पे टेलीस्कोप पॉइंट आउट करता है, ये डिरेक्शन में टूवर्ड्स पॉइंट ए, टूवर्ड्स पॉइंट ए, मतलब वो जो मून है उसके डायमीटर का लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट पॉइंट. फिर हम वहां से टेलीस्कोप लेके घुमा रहे ये डिरेक्शन में, जहां पर हम घूमते घूमते आ जाएंगे सेम मून के एग्जैक्टली ऑपोजिट एज पे, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे उसके डायमीटर के, क्लियर. तो यहां से हम जितना घूमे उतना हमें एंगल मिल गया थीटा, एंड वी नो दिस एंगल थीटा. नाउ फॉर अस इन क्वेश्चन द थीटा विल बी गिवन टू अस, क्लियर. ओके, तो हमारे पास थीटा है. अच्छा, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड करना है, हमें पता है. तो आर इज ऑल्सो गिवन टू अस, इसके पहले भी पढ़ा था, क्लियर. सो अर्थ से वो मून तक का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया आर, सो आर इज ऑल्सो गिवन टू अस. ओके, एंड दिस डी इज सपोज टू बी फाउंड आउट, क्लियर. तो थीटा है, आर है, डी मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा. वी नो वन मोर थिंग, अगेन लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, इट्स बीन कमिंग रिपीटेडली नाउ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है. फिर से, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डन. फाइंड क्या करना है हमें, डी फाइंड करना है, तो डी ये साइड आ गया. चलो डी फाइंड करना है, मतलब आर और थीटा चिपक जाएंगे, सो वी कैन से थीटा इंटू आर और आर इंटू थीटा, क्लियर. इट इज आर इंटू थीटा. अच्छा, ये नाटक क्यों किए, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, डी क्या है, लीनियर डायमीटर, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन डायमीटर, सो वी कैन से लीनियर डायमीटर. मैं लिखने की बहुत चोर हूं, प्लीज यू गाइस हैव टू राइट इट डाउन पूरा डायमीटर. लीनियर डायमीटर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर क्या है, डिस्टेंस, सो दिस इज डिस्टेंस इंटू, पूरा लिखना है प्लीज, इंटू थीटा. थीटा क्या है, थीटा सबटेंड्स टू द सेम आर्क, टू द सेम डायमीटर, बट एंगुलर वे में, यस ऑर नो. सो दिस इज नोन एज एंगुलर डायमीटर, प्लीज राइट डाउन द स्पेलिंग्स, पूरे पूरे लिखना. ओके, सो दिस इज द सेकेंड यूज फॉर पैरेलेक्स मेथड. किसी भी क्राइटेरिया में आ सकता है क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, आई एम सेइंग, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. चलो लिखो.